दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए न्यूज और लर्निंग पॉइंट को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम टू न्यूज एंड लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों आज है 24 जुलाई 2019। 24 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को वाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में है। दोस्तों यह एक टाइगर रिजर्व सेंचुरी है और यह अभयारण्य 890 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ हो रहे अवैध खनन और शिकार को रोकने के लिए इस अभयारण्य को आरक्षित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों हम यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया। तो इंडिया में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था और इंडिया के कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों यह है मैप में मध्य प्रदेश और यहाँ के प्रेजेंट सीएम है कमलनाथ और यहाँ के अभी नए नियुक्त राज्यपाल हैं लालजी टंडन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हैंड इन हैंड नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन उमरोई मेघालय में किया जाएगा? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हैंड इन हैंड एक्सरसाइज के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, चीन। इस हैंड इन हैंड एक्सरसाइज का आयोजन मेघालय के उमरोई में दिसंबर 2019 में किया जाएगा। दिसंबर 2018 में यह एक्सरसाइज चीन में आयोजन की गई थी। दोस्तों इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच करीबी संबंधों का निर्माण करना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चीन के बारे में, तो जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट चीन के बारे में। तो दोस्तों यह है मैप में चीन और चीन की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनवी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद। यस दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती 23 जुलाई को हर वर्ष मनाई जाती है। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने भावरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर आज़ाद नगर रख दिया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी विभाग ने वेंडरों द्वारा मनमानी कीमत वसूल किए जाने पर नो बिल नो पेमेंट अभियान आरंभ किया? दोस्तों यहाँ पे वेंडरों का मतलब है विक्रेता, रेलवे स्टेशन पे आप जिससे सामान खरीदते हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रेल। यस दोस्तों भारतीय रेल ने इस अभियान को चालू किया है। दोस्तों भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस अभियान को समझाने के लिए अपने ट्वीट में लिखा, रेलवे द्वारा नो बिल नो पेमेंट की नीति अपनाते हुए विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य किया गया है। ट्रेन अथवा रेलवे प्लेटफॉर्म पर यदि कोई विक्रेता आपको बिल देने से इनकार करता है तो आपको उसे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेन या रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई सामान खरीदते हैं और विक्रेता आपको बिल नहीं देता तो आपको उसे पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों से यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए इस अभियान को आरंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, केरल। यस दोस्तों केरल ने स्पेस सिस्टम पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों इस स्पेस सिस्टम पार्क में एपीजे अब्दुल कलाम स्पेस सेंटर और स्पेस म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसके बनाने का उद्देश्य मोटो है एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केरल के बारे में, तो कुछ फैक्ट जानते हैं केरल के बारे में। तो ये है मैप में केरल और इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के प्रेजेंट टाइम सीएम है पिनरई विजयन और यहाँ के
प्रेजेंट टाइम गवर्नर है पी सत्यशिवम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने किस परियोजना के लिए 2024 तक 1.25 लाख करोड़ की ऋण सुविधा देगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए भारतमाला परियोजना। यस दोस्तों, LIC भारतमाला परियोजना के लिए 2024 तक 1.25 लाख करोड़ रुपए की ऋण सुविधा देगी। अब हम बात करते हैं भारतमाला परियोजना के बारे में। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी और यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट परियोजना है। इस परियोजना का मेन एम है इंडिया के सभी पोर्ट्स हैं उनको नेशनल हाईवे से कनेक्ट करना। दोस्तों यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू की थी और इसके हेड हैं एट प्रेजेंट में नितिन गडकरी। अब हम बात करते हैं LIC के बारे में। LIC इंडिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है MR कुमार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न प्रेसिडेंट्स कप 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बॉक्सर बना? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी शिव थापा। यस फ्रेंड्स, शिव थापा पहले इंडियन बॉक्सर हैं जिसने प्रेसिडेंट्स कप में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रेसिडेंट्स कप 2019 का आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था। दोस्तों शिव थापा इंडियन बॉक्सर है जो कि गुवाहाटी असम के रहने वाले हैं। अब हम कुछ पॉइंट जानते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसकी कैपिटल पहले अस्ताना थी लेकिन अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान हो गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी फागू चौहान। यस फ्रेंड्स, फागू चौहान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह है बिहार इंडिया के मैप में और बिहार की कैपिटल है पटना और इसके एट प्रेजेंट CM है नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश धनखड़ को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। यस फ्रेंड्स, जगदीश धनखड़ को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह रहा पश्चिम बंगाल इंडिया के मैप में और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और इसकी एट प्रेजेंट CM है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 86 रैंक, इंडिया की 86वीं रैंक है। दोस्तों इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वर्ल्ड में वो है सिंगापुर का, यानी सिंगापुर फर्स्ट पोजिशन पे है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग और सबसे लास्ट पे है अफगानिस्तान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपने कुछ आज नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो दोस्तों कल मिलते हैं फिर कुछ न्यू करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय।